भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच के लिए घोषित हुई भारत की प्लेइंग 11, किसे मिला मौका और कौन हुआ बाहर, हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप भारतीय टीम के फैन हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आपको बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच 23 से 27 फरवरी के बीच रांची में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। सबसे पहले बात करें टॉप ऑर्डर की तो आपको बता दें, नंबर एक पर हमें रोहित शर्मा खेलते हुए दिखेंगे। आपको बता दें, रोहित शर्मा पहले दोनों टेस्ट मैचों में बुरी तरह से फ्लॉप हुए थे, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में शानदार वापसी करते हुए रोहित शर्मा ने 131 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली है। अब फैंस को लगता है कि रोहित शर्मा चौथे टेस्ट मैच में भी अपनी टीम के लिए बड़ी पारी जरूर खेलेंगे। नंबर दो पर हमें यशस्वी जायसवाल खेलते हुए दिखेंगे। आपको बता दें, इस समय यशस्वी जायसवाल का बल्ला जमकर बोल रहा है। जहां पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 80 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, वहीं दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में दोहरा शतक जड़ा है। इसके साथ ही वो भारत के तीसरे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने लगातार दो टेस्ट मैचों में दोहरा शतक जड़ा है। नंबर तीन पर हमें सुमन गिल खेलते हुए दिखेंगे। सुमन गिल भी इस समय शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। जहां दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने शतक और तीसरे टेस्ट मैच में 90 रनों की शानदार पारी खेली है। नंबर चार पर एक बार फिर रजत पाटीदार को मौका मिला है। हालांकि रजत पाटीदार अभी बल्ले से कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा ने उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें टीम में शामिल किया है। नंबर पाँच पर केएल राहुल की अब्सेंस में एक बार फिर सरफराज खान को मौका मिला है। आपको बता दें, सरफराज खान ने तीसरे टेस्ट मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी की है, उसने सबको हैरान कर दिया है। वहीं फैंस का कहना है कि सरफराज खान आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा सितारा बनने वाला है। नंबर छः पर एक बार फिर केएस भर्त को ड्रॉप करके ध्रुव जुरेल को विकेटकीपर के रूप में शामिल किया है। नंबर सात पर जडेजा खेलते हुए दिखेंगे। नंबर आठ पर आर अश्विन को टीम में शामिल किया है। नंबर नौ पर कुलदीप यादव को खेलने का मौका मिला है। अब बात करें नंबर दस की तो नंबर दस पर जसप्रीत बुमराह खेलते हुए दिखेंगे और नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया है। तो ये होगी भारत की प्लेइंग 11 चौथे टेस्ट मैच में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।